ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हुई बैठक से मिल रही खबरों के मुताबिक अब जो लॉकडाउन है उसका दूसरा फेज 3 मई को खत्म होने के बाद रेल और हवाई सेवाएं नहीं शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कोविड-19 के लिए बनी GOM की 5वीं बैठक में इन विषयों को लेकर के चर्चा की गई और रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में रिपोर्ट भेज दी गई है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इसमें यह भी कहा गया कि रेल और हवाई सेवाएं 3 मई के बाद में शुरू नहीं होंगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में यह भी कहा गया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय और पीएम मोदी के द्वारा जो हालात है फिलहाल उसके आकलन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऐसी स्थिति में फिलहाल यात्री ट्रेन शुरू करने के पक्ष में नहीं है। मंत्रियों का ये मानना है कि रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना संभव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद भी बुकिंग न करने की बात कह दी गई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई इस बैठक से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 3 मई के बाद में भी जो एयरलाइंस है उन्हें मना किया गया है अपने अपने बुकिंग्स 3 मई के बाद की तारीखों के लिए लेने के लिए। GOM की 5वीं बैठक में इन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया। चूंकि ये बात एक्सेप्टेबल भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी कड़ाई से जो पालना करवाना है वो ऐसे ट्रैवलिंग के जो संसाधन होते हैं और यातायात के जो संसाधन होते हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को जो पूरे तरीके से बदस्तूर पालना है वो संभव नहीं है। देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन फिलहाल लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। इसी बीच सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। लॉकडाउन लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही और कहा कि राशन और उसी के साथ में मेडिकल की दुकानें तो खुली है, वहीं दूसरी तरफ जरूरत के सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि इसी बीच गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि ई-कॉमर्स कंपनीज के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर पूर्णतया रोक रहेगी। देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए फिलहाल पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 2 का आज 5वां दिन है। लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियों पर फिलहाल ब्रेक है।